हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 29 सितंबर 2017। हमेशा की तरह नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां से डाउनलोड कर लेना, समझने पर ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले GS1 के टॉपिक्स देख लेते हैं। काबुलीवाला, काबुलीवाला इज़ अ प्ले रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था कि अभी अफगानिस्तान के जो CEO हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो इंडिया आए हुए हैं, तो प्रेसिडेंट उनसे मिले तो उन्होंने काबुलीवाला का मेंशन किया, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं काबुलीवाला और थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर GS1 मेंस में पर्सनालिटीज़ का आपका टॉपिक है, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पहले भी पास्ट में पर्सनालिटीज़ के ऊपर। तो आपको इन पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, 50 वर्ड्स लिखने को आपको बोले जा सकते हैं, प्लस प्री में तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अपने कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जिससे अपना प्री का क्वेश्चन भी निकल जाए, और अगर 50 शब्द लिखने को आ जाए रविंद्रनाथ टैगोर पे तो अपन वो भी लिख पाएँ। तो 1861 में इनका बर्थ हुआ था एंड ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ दिबेंद्रनाथ टैगोर। अब दिबेंद्रनाथ टैगोर खुद में एक पर्सनैलिटी थे बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। खैर, हम दिबेंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन की थी, शांति निकेतन, जहाँ पे वो अपने उपनिषदिक आइडल्स के बेस पे एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, मेनली वुमेन को, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया था गुरुजी, और ये टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। सिमिलरली गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल दिया है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल दिया गुरुजी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को टाइटल दिया महात्मा। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कवर हो जाता है। ही वॉज गिवन द नाइटहुड टाइटल बाय ब्रिटिश, जो इन्होंने रिटर्न कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने एक गाना लिखा, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। अमार सुनार बांग्ला इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट, जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए इन्होंने अमार सुनार बांग्ला लिखा। ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वॉज डन इन 1905, ठीक है। और ये अमार सुनार बांग्ला जो है आपका, लेटर जब 1971 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई तो ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। तो उस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में एक अकेले ऐसे इंसान है जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, इंडिया का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला, ठीक है ना। हिज पोएम्स लेटर इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरीज लाइक सूर्यसेन, ठीक है। सूर्यसेन भी एक चित्तागोंग जो रेड हुई थी उसमें सूर्यसेन का काफ़ी रोल है, तो सूर्यसेन को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी बाद में सूर्यसेन के बारे में पढ़ेंगे। ही सपोर्टेड महात्मा गांधी ऑन इज फास्ट एंड टू डेथ इन यरवडा जेल अगेंस्ट द कॉम्युनल अवार्ड। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं ऐसे भूख हड़ताल करके, वो वर्थ है, ठीक है। बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन नोबल अवार्ड इन लिटरेचर, पहले एशियन रहे जिनको नोबल अवार्ड मिला लिटरेचर के अंडर, ठीक है ना। उसके बाद भगत सिंह की एनिवर्सरी थी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था, तो थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में भी देख लेते हैं। अगेन GS1 में भी इंपॉर्टेंट और प्री में भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज बॉर्न इन 1907 एंड वॉज द नेफ्यू ऑफ फेमस रेवोल्यूशनरी अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह अब खुद में एक पर्सनैलिटी हो गए, लेकिन अजीत सिंह को भी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी देखेंगे। वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, भगत सिंह वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। ही रेड वाइडली अबाउट लेनिन एंड सोवियत रेवोल्यूशन, आयरलैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा 1920। लेकिन हम अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सॉन्डर्स मर्डर केस हो या बॉम्ब ब्लास्ट केस हो। लेकिन 1929 में उनके अरेस्ट से पहले उन्होंने टेररिज्म और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन को अबेंडन कर दिया था। उनका मानना था कि टेररिज्म और इंडिविजुअल हीरोइक जो एक्शन है वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। ही वॉज मोर अट्रैक्टेड टू मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म की तरफ वो ज़्यादा जा रहे थे, और उनका ये मानना था कि जब तक मासेज इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी मूवमेंट में तब तक रेवोल्यूशन आ नहीं सकता, ठीक है ना। जब तक मासेज इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, और इसी वजह से उन्होंने पंजाब में एक नौजवान भारत सभा इस्टेब्लिश कर दी 1926 में, ठीक है ना। इस सभा का काम क्या था कि वो पॉलिटिकल वर्क करेगी यूथ्स में, पेजेंट्स और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। ब्रांचेस खोल दी उसकी विलेजेस में, और भगत सिंह जो थे उसमें रेगुलरली जो अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स जो देते थे। उसके बाद काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था, जो काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी, उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो उस टाइम पे पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया और काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज को पकड़ा गया और उनको फांसी लगा दी गई।
लेकिन भगत सिंह और बाकी के जो लीडर्स थे उन्होंने फिर चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में दोबारा से अपना रेवोल्यूशनरी जो मोमेंटम था उसे गेन किया और एक नई पार्टी बनाई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एस सोशलिज्म, सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये रिप्रेजेंट करता था आइडियोलॉजी कि जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं ये किस तरह का इंडिया जो है वो देखना चाहते हैं, तो ये सोशलिस्ट इंडिया एक देखना चाहते थे। अर्ज द मेंबर भगत सिंह अर्ज द मेंबर्स ऑफ HSRA टू रीड एंड डिस्कस सोशलिज्म एंड अदर रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़। ठीक है, फिर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु असैसिनेटेड एट लाहौर। सॉन्डर्स को उन्होंने असैसिनेट किया। सॉन्डर्स को असैसिनेट करने का रीज़न था जो लाठीचार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पे, जिसपे उनकी डेथ हो गई थी। फिर 1929 में भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब थ्रो किया। ये बॉम्ब डेंजरस नहीं था, ठीक है, इस बॉम्ब में केमिकल्स ऐसे नहीं यूज़ किए गए थे जो किसी को मारे, इट वॉज जस्ट टू मेक द डेफ हेयर। और ये जो बिल था ये प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका था, जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किया जा रहा था, इसके लिए भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनका असेंबली में बॉम्ब जो उन्होंने ब्लास्ट किया था उसके लिए उनका ट्रायल चला। बाद में उनको सुखदेव, राजगुरु और बाकी रेवोल्यूशनरीज ने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो भी पकड़ लिए गए थे। तो इन ट्रायल्स के दौरान इन्होंने अपनी स्पीचेस दी और वो न्यूज़पेपर के थ्रू पूरी कंट्री वाइड उनका स्प्रेड हुआ। इसी टाइम पे इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स दिए, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहे थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है ना। ऐसे देखते देखते भगत सिंह जो हैं वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गए। और जब उन्होंने जेल में आंदोलन किया, जेल में उन्होंने जेल के खराब खाने और जो प्रिजनर्स थे उनकी खराब सिचुएशन के खिलाफ आंदोलन किया, वहाँ पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक ली और कुछ वो जो हंगर स्ट्राइक थी आपकी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चली, जिसकी वजह से जो सिंपैथी थी पूरी कंट्री की वो भगत सिंह को मिली। फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जिसमें सॉन्डर्स को मार दिया गया था, उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब इसमें मेंस के लिए और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैंने यहाँ पर सब कवर नहीं किए हैं। ये आपको बस एक थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया है टैगोर और भगत सिंह के बारे में। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं दिसंबर से हिस्ट्री का जो कोर्स है वो शुरू करूँगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे सारे जो भी पॉइंट्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा ऐसे रेवोल्यूशंस का, भगत सिंह का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन स्ट्रगल में, तो वो हम सब तब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कीपिंग अलाइव अ यूनिक ट्रेडिशन, तो एक आपका यूनिक ट्रेडिशन है बोमाला कोलावू। बोमाला कोलावू है क्या? इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ डॉल्स एंड फिगराइंस कलेक्टेड ओवर द ईयर्स ड्यूरिंग नवरात्रि। ठीक है, तो ये आपका होता कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मेनली रीजन रीजन में होता है। तमिलनाडु में इसका नाम है बोमा कोलू कहते हैं इसे, और कर्नाटका में इसे बॉम्बे हबा कहते हैं। तो जितनी भी डॉल्स और फिगरिंग्स होती हैं उनको डिस्प्ले पे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही है। GS2 देख लेते हैं, विल स्वच्छ भारत अभियान बी अ सक्सेस। तो ये लेफ्ट राइट सेंटर का था, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो जो लेफ्ट हैं जिन्होंने कहा है कि सर स्वच्छ भारत को सक्सेस होना इतना आसान नहीं है, और इसको सक्सेस से तब तक नहीं होगा जब तक हम कास्ट और ऑक्यूपेशन में जो लिंक है उसको नहीं तोड़ देते। अब आप देखें कि जो जो ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं ज़्यादातर, ये पर्टिकुलरली ये कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड कास्ट में से लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। राइट्स कैसे प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं? राइट टू लाइफ है अब, ठीक है। अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को कह रहे हैं कि आपको मैनहोल की सफाई करनी है और आप उसको बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उसका आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा है, उसका राइट टू लाइफ वायोलेट हो रहा है, ठीक है ना। और इनकी लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनके वेजेस हैं, जो सरकारी सफाई कर्मचारी हैं उनकी वेजेस काफ़ी लो वेजेस हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस जो है वो काफ़ी डिटीरियोरेटेड है। प्लस आज भी हमारी कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और इन लोगों ये वो लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा आर्टिकल 17 वॉयलेट होता है। ये सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी जो बेयर करते हैं वो ये लोग बेयर करते हैं,
तो जब तक हम ये कंडीशन नहीं सॉल्व करेंगे, जो इंडिया को मेनली क्लीन रखने का काम करते हैं, ऑथर का मेनली ये कहना है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो एक दिन के लिए बाहर निकल आते हैं, झाड़ू पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में छप जाती है और चले जाते हैं। बाकी के 364 डेज जिनको इंडिया साफ रखना है वो ये लोग हैं, और जब तक इनकी हम कंडीशन इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमें मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ मैन होल्स करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, हर महीने न्यूज़ आती है कि यहाँ पर 2 सफाई कर्मचारियों की डेथ हो गई, यहाँ पर 3 की डेथ हो गई। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये लोग जो है बिना किसी सेफ्टी गेयर्स के इनको मैन होल्स में जाना पड़ता है सफाई करने के लिए, जिसकी वजह से जो गैसेज होती हैं मैन होल में या जो भी रीजन्स होते हैं उनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ को कर्व करने के लिए हमें मैकेनाइज क्लीनिंग को यूज़ करना स्टार्ट करना होगा। अब जो राइट में है उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन एकदम सही उस पर चल रहा है और हम सब अचीव कर लेंगे। फिर ये तो वही बातें करते हैं कि भाई हमने 50 मिलियन टॉयलेट्स बना दिए रूरल एरियाज़ में, 3.8 मिलियन बना दिए सिटीज़ में, और 1.4 मिलियन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5 स्टेट्स को ODF ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, उसमें आपकी सिक्किम, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा आ जाती है। और ये भी कह दिया कि ये ODF हम नहीं डिक्लेयर कर रहे, ये ODF हमारे डिक्लेयर करने के बाद इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं, जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो वेरीफिकेशन भी करती हैं। तो हमारे इस चीज़ पर तुम डाउट नहीं कर सकते कि ये जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, या जो रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेज़ हैं, जिनको हम ODF डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सच में ODF हैं या नहीं, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ इन्होंने कह दिया कि भाई काफ़ी जो क्रिटिक्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के, वो कहते हैं कि टॉयलेट्स आपने बना तो दिए लेकिन वो टॉयलेट्स यूज़ ही नहीं हो रहे। तो इनका ये कहना है कि काफ़ी सारे आप सर्वेस देख लो, उसमें ये बताया गया कि 85% जो टॉयलेट्स हमने बनाए हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये कहते हैं कि ये वुमेन लिबर्टी को जो है वो प्रमोट कर रहा है, वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उसको ये स्वच्छ भारत मिशन जो है वो प्रमोट कर रहा है। अब सेंटर में जो आदमी आए उन्होंने ये ज़्यादा, इनका जो व्यू है वो लेफ्ट की तरफ ही है। इनका मेन पॉइंट ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये रूरल बाइज्ड है, सरकार इसमें रूरल बाइज्ड है। तो इसमें इनका ये कहना है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया। फिर भी गवर्नमेंट की अगर हम बजट फंडिंग देखें स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, तो वो रूरल एरिया के लिए ज़्यादा है और अर्बन एरिया के लिए कम है। रूरल एरिया के लिए अराउंड 13,000 करोड़ रुपीज़ है और अर्बन एरिया के लिए अराउंड 2,500 करोड़ रुपीज़ है। तो इनका ये कहना है कि ये एक रूरल बायस है सरकार का, जबकि अर्बन एरियाज़ में भी उतनी ही हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। ठीक है, दूसरी इन्होंने चीज़ जो बोली इनका ये कहना है कि जो लैंडफिल साइट्स हैं अर्बन एरियाज़ में, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अब आप अगर न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं 1-2 महीने से, तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो आपकी लैंडफिल्स हैं उनका, उनकी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अभी रिसेंटली एक लैंडफिल्स में वो भी हो गया था, आपका लैंडस्लाइड हो गया था लैंडफिल में, तो उसकी वजह से 2-3 डेथ्स भी हो गए थे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है और इसका जो सिचुएशन है, सोल्यूशन है, वो आपके 3-4 ही हैं। या आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए और आप प्रमोट करें सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट सोर्स को, मतलब घरों पे ही लोगों को वो करें कि जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है उसको अलग सेग्रीगेट कर ले, जो ऑर्गेनिक है उसको अलग सेग्रीगेट करें, प्लास्टिक को अलग सेग्रीगेट करें, तो जो ये लैंडफिल्स है उसमें जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट भी किया गया है कई जगहों पे, जैसे आपकी आलापूजा जो केरला में है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने 2016 के सर्वे में ये असेस किया कि जो आलापूजा में जो चीज़ हो रही है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है ना, इससे मेजर एक चेंज आ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट अपना एक स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे भी निकालती है, उसमें उन्होंने ये आलापूजा को बिल्कुल मतलब कह दिया कि ये तो बहुत पुअर कंडीशन में है, स्वच्छ भारत सर्वे में इन्होंने अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं की है, कुछ ज़्यादा इनके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ऑथर का ये कहना है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है आप अपने सरकारी सर्वे में उसे इतना नीचे दिखा रहे हो और ऐसी चीज़ों को डिस्करेज कर रहे हो, आपको तो इन चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए। तो ये इन्होंने एक मेजर प्रॉब्लम हाईलाइट की है। दूसरा इन्होंने कहा है कि ठीक है टॉयलेट्स बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी मेंटेनेंस रखी जाए और जो वो टॉयलेट्स हैं वो ये ना हो कि उनके बाहर ताला लग गया और वो चाबी कहीं गुम गई, नहीं, वो यूज़ होने चाहिए और यूज़ होने के लिए उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लास्ट चीज़ जो इन्होंने बोली कि बिहेवियरल चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल चेंज के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, हमने केरला की एक केस स्टडी देखी थी जहाँ पर लोग टॉयलेट्स नहीं यूज़ कर रहे थे बिकॉज दे बिलीव्ड कि उनके घर में उनका टेम्पल है तो वहाँ पे वो टॉयलेट्स नहीं बना सकते। सिमिलरली वो फार्म्स में भी टॉयलेट बनाने को तैयार नहीं थे। तो बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है, उसके लिए अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है, कैंपेन्स करने पड़ेंगे। तो कुछ
इन सर का कहना है कि कुछ 8% जो आपका जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन की, उसका जो 8% जो आप जितना भी एलोकेशन कर रहे हो उसका 8% आप अवेयरनेस जनरेशन पर लगाओ, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 1% ही लगाया जा रहा है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद देयर विल बी ब्लड इफ़ यू आस्क ऑन फेसबुक। तो अभी ये फेसबुक ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर से फेसबुक पे जो भी यूज़र्स हैं, जो विलिंग ब्लड डोनर्स हैं, वो साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ब्लड ग्रुप और कहाँ वो डोनेट करना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब वो उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड चाहिए तो वो एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट कर सकता है कि कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा ब्लड चाहिए, और फेसबुक जो उस एरिया में उस ब्लड ग्रुप के जो विलिंग डोनर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू बताएगी कि भैया हाँ तुम्हारा एक खून चाहिए एक बंदे को, तुम दोगे क्या। तो अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो वो मैसेंजर या फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू उसको कॉल कर लेगा और अपना ब्लड डोनेशन करना है डोनेट करने चला जाएगा। तो ये इसमें सारी अप्रोच है, लेकिन जो आपके ब्लड डोनेशन एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि ये गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच उनका ऐसा कहना क्यों है कि ये गलत अप्रोच है, वो ये मानते हैं कि हमें क्या चाहिए कि लोग सिंपली हर 3 महीने में आम आदमी एक जो नॉर्मल आदमी है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो चाहते हैं कि हर आदमी अपना 3 महीने में खुद से जाके ब्लड डोनेट कर दे, चाहे किसी को नीड हो या ना हो, इससे हमारा जो ब्लड बैंक है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप एक ऐसी रजिस्ट्री बना दोगे तो लोग जो हैं जो अभी रेगुलरली ब्लड डोनेट करने जाते हैं वो ब्लड डोनेट करने नहीं जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई जब भी किसी को नीड होगी मैं उसी टाइम ब्लड डोनेट करने चला जाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार अवेलेबिलिटी ना हो बंदे की, तो ये जो एक सिनेरियो क्रिएट कर देगा जिसमें ब्लड बैंक के पास बहुत लिमिटेड ब्लड रह जाएगा और लोग तभी ब्लड देने जाएंगे जब उनकी नीड होगी, ठीक है, कहीं से फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट होगा तो वो डायरेक्टली ब्लड देने जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इन एक्टिविस्ट का कहना है ये गलत है, और ये हमारा जो ब्लड बैंक है उसको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर देगी, ठीक है ना। उसके बाद एज सऊदी वुमेन टेक्स द व्हील एनआरआई ड्राइवर्स में गेट द बूट। तो अभी ये कल एक न्यूज़ थी कि सऊदी अरेबिया की जो वहाँ की मोनार्कियल गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो सऊदी अरेबियन वुमेन्स हैं वो ड्राइव कर सकती हैं, उससे पहले उन्हें ड्राइव करने के राइट्स नहीं थे। तो कल मैंने ये न्यूज़ कवर नहीं की थी क्योंकि अगर कोई भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि विच कंट्री हैज़ अलाउड वुमेन्स टू ड्राइव, लेकिन आज ये न्यूज़ क्यों कवर की है, आज ये न्यूज़ इसीलिए कवर की है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है। तो देखिए ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है ना आपकी एनालिटिकल पावर को डेवलप कर सकती हैं कि एक छोटी सी चीज़ को आपने इंडिया से कैसे रिलेट कर दिया, ठीक है, और ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, ठीक है ना। तो इससे हमारे एनालिसिस डेवलप होते हैं कि हर चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, उसको वाइडर पर्सपेक्टिव में कैसे देख सकते हैं। तो अब एनआरआई वुमेन को ड्राइविंग राइट्स मिल गए, ठीक है, तो जितने अभी तक क्या होता था कि औरतें गाड़ी तो चला नहीं सकती थी, तो अगर औरतों को कहीं जाना तो उनके लिए ड्राइवर्स रहते थे, वहाँ पे ड्राइवर्स रखे होते थे, उन्होंने फैमिलीज ने ड्राइवर्स अपॉइंट किए होते थे कि अगर घर की वुमेन को कहीं जाना है तो ड्राइवर ले जाएगा। तो अब जब औरतों को ड्राइविंग राइट्स मिल जाएंगी तो ड्राइविंग राइट्स मिल जाएंगे तो उन ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उन ड्राइवर्स की नीड ही नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब वो खुद से गाड़ी चला सकती हैं तो ड्राइवर्स की नीड नहीं रहेगी। तो अब क्या होगा, दिस डिसीजन ऑफ द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट टू अलाउ देयर वुमेन टू ड्राइव विल थ्रेटन टू स्नफ आउट लाइवलीहुड ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रवासी हाउस ड्राइवर्स, जो यहाँ से इंडिया से लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया में जॉब्स करने, और जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी पे अब लात मारी जाएगी, और ज़्यादातर इनमें से लोग जो हैं वो केरला से हैं, ठीक है, केरला से हैं ज़्यादातर लोग। अब ये जो आप देखो आपको यहीं से क्लियर हो जाता है कि कुछ अराउंड 5 to 14 लाख शॉफर टैक्सी ड्राइवर्स हैं सऊदी अरेबिया में, और जिनमें से ज़्यादातर इंडिया में से हैं, तो देखो अब कितनी ज़्यादा लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे अगर ये वाली चीज़ जब आ जाएगी, तो कितना ह्यूज इम्पैक्ट होगा इंडिया पे इसका। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में, तो अभी ये वॉशिंगटन में हो रही थी तो ख़त्म हो गई है फाइनली, तो एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एनुअली होती है, हर साल होती है, एक साल इंडिया में तो एक साल यूएसए में होती है। तो जो भी इसका फोकस था स्पेशल ड्रिल्स वगैरह सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल्स है मेनली, आपको याद रखना है कि युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है और
एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, ये मेनली आपको याद करना, बाकी ये सब स्लाइड में अवेलेबल रहेगा, रीड कर लेना, इतना कुछ ध्यान देने वाला है नहीं। उसके बाद अभी ये एक न्यूज़ थी, ठीक है, इंडिया साइंस MOU टू ट्रेन अफगान, और ये एक आर्टिकल था एक्सपेंडिंग द कॉमन ग्राउंड, ठीक है। तो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते में, जब से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इशू चल रहा है, या फिर जब से USA की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी है, ये तब से इंडिया अफगानिस्तान और USA काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते में भी हमने इसे काफ़ी डिटेल में कवर किया है, ठीक है। हमने ये वाला जो पार्ट है इंडिया साइंस MOU टू ट्रेन अफगान पुलिस, ये भी हमने देख लिया था, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया को, और क्या क्या डिप्लोमेटिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सब हमने डिस्कस किया था। जो USA ने अपनी साउथ एशिया स्ट्रेटेजी अनाउंस की है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और सिमिलरली इस आर्टिकल में ही में भी जो पिछले हमने 1 हफ्ते में सब पढ़ा है, वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो आप प्लीज़ ये पिछले 1 हफ्ते की जो भी वीडियोज़ हैं, उसमें कंटिन्यूसली इंडिया अफगानिस्तान और USA के रिलेशंस को डिस्कस किया हुआ है, पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, बोथ फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्री पर्सपेक्टिव। तो आप प्लीज़ उनको देख लेना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स थे जो न्यूज़पेपर में, अब आपको अपने, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। अब मैं सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स नहीं कवर करूँगा, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए नल एंड वॉइड वैल्यू के हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो इन 3 आर्टिकल्स पे आपके 20 मिनट वेस्ट कर देंगे। आज मेरे को आपको ये चीज़ समझाने में आपके 2 मिनट वेस्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल्स जो हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ना तो ये आपकी प्री की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, ना ही आपके मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। वीडियोस बनाने वाले जो हिंदू एनालिसिस या जो एडिटोरियल एनालिसिस, उनको वीडियोस बनाना है तो वो इसको भी डिस्कस करेंगे 20-20, 25-25 मिनट, और आपका टाइम वेस्ट होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसको रीड भी करोगे ना, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप खुद से रीड करके देखना चाहे आज के आर्टिकल्स, ये जो 3 आर्टिकल्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पहला आर्टिकल है द एक्टिविस्ट एंड द इंटेलेक्चुअल, अगर आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल है तो फिर भी आप शायद इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप जनरल स्टडीज़ के बच्चे हो और जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हो, तो ये आर्टिकल की बिल्कुल कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। इसमें एक्टिविस्ट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं निकल के आने वाला, मेंस में भी और प्री में भी। होप इन दार्जिलिंग, अब दार्जिलिंग में कुछ 104-105 दिन से इशू चल रहा है, ठीक है। अभी यूनियन होम मिनिस्टर ने, जो हमने कल देखा था, यूनियन होम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया प्रोटेस्टर्स को कि प्रोटेस्ट रोके, ताकि आम जनता जो है वो अपना काम कर पाए। तो अब जो वहाँ की जो GJM है, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम प्रोटेस्ट हो गए, तो वही सब चीज़ें डिस्कस की हैं। कुछ ऐसा एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि अभी टॉक्स हुई नहीं है, तो वो दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, या कोई टॉक्स होंगी, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी सिर्फ बातें हुई हैं, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। टोक्यो ड्रीम्स, अब टोक्यो ड्रीम्स में आपका जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एब, उन्होंने स्नैप पोल्स करा लिए हैं कि चलो भाई पोलिंग कराते हैं, देखते हैं दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो वहाँ की जो जापान की जो पॉलिटिक्स है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है भैया जापान की पॉलिटिक्स की, कुछ इसमें जियोपॉलिटिकल नहीं है, कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं हो रहा है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसीलिए ये 3 आर्टिकल्स वेस्टेज ऑफ टाइम है आपके लिए पढ़ना। इसीलिए आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना होगा, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, कि मैं कुछ भी ऐसा मिस नहीं करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा डिस्कस सिर्फ इसीलिए नहीं करूंगा कि मेरी वीडियो आपको अट्रैक्टिव लगे, कि हाँ हाँ सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए, हाँ हाँ सारे एडिटोरियल डिस्कस कर लिए, वीडियो अच्छी है। तो मैं सिर्फ ऐसे धोखे में नहीं रखूंगा, और आपके साथ ऐसे आर्टिकल्स मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। GS3 देख लेते हैं, रिवैम्पिंग द रेलवेज। अब ये PIB में जो अभी हमारे रेलवेज के नए पीयूष गोयल जो बने हैं मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम रिवैम्प करेंगे रेलवेज को, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हम कैसे रिवैम्प करेंगे, ठीक है ना, कैसे रिवैम्प करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आप सीधा सीधा अगर रेलवेज के ऊपर कोई आंसर आ जाता है ना, कि रेलवेज में एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है रेलवेज को, कैसे इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है, तो सीधा सीधा ये पॉइंट कोट कर देना, और सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा 200 वर्ड का। तो पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए पहले तो उन्होंने कहा कि भैया जो फील्ड इंस्पेक्शन है, उस पर स्ट्रेस दिया जाएगा, अफसरों को बोलेंगे कि रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन करो। ट्रैक रेन्यूअल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, जितनी भी अनमैंड लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। CCTV कैमरास लगाए जाएंगे कोचेज पे और स्टेशंस पे, ये पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे सिक्योरिटी फॉर वुमेन और ओल्ड एज। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स लगा दिए जाएंगे, अभी मैनुअल है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा, यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन कैमराज फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी, जैसे अभी जो उत्कल ट्रेन एक्सप्रेस में जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें रेलवे में जो रेल लाइन थी उसमें डिफेक्ट था, ट्रैक में डिफेक्ट था, तो ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, उस अगर ट्रैक में आगे कुछ ऐसा डिफेक्ट होगा भी, कहीं से टूटा हुआ है या कुछ भी हुआ हुआ है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और ड्राइवर को पता चल जाएगा और ट्रेन जो है वहीं पर रोक दी जाएगी, जिससे जो इंसिडेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी लाने की बात कर दी कि भाई कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे आने वाले 4-5 साल में, तो अभी डीजल पे जो कुछ चलता है सब उसको इलेक्ट्रीफाई करके कुछ 10,000 करोड़ रुपया बचाने की बात की जा रही है। 100% LED लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज यूज़ करना शुरू कर देंगे, ट्रेन्स में जो भी आपकी लाइट्स लगती हैं उनको LED बना देंगे। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे लाइट्स होती हैं वो सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब इसमें कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए मोबाइल ऐप्स बना देंगे, वाईफाई कनेक्टिविटी देंगे लोगों को ट्रेन में भी और स्टेशन पे भी, GPS बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग कराएंगे ट्रेन मूवमेंट की, कि ट्रेन कहाँ पे किस टाइम कब है, वो सारे GPS बेस्ड होगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर अर्जीज सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस टू स्पेंड एग्रेसिवली। ठीक है, तो अभी एक मीटिंग था तो उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, उन्होंने कुछ बातें बोली। उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन काम ये है कि वो ग्रोथ बढ़ाना चाहती है थ्रू इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है, पैसा जितना लगाएंगे लोगों के पास उतना पैसा जाएगा, जितना इकोनॉमी में पैसा जाएगा उस हिसाब से ग्रोथ होगी। ठीक है, गवर्नमेंट अब इकोनॉमी को ग्रो करना चाहती है। तो सरकार ने अब ये कहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, अपने जो कैपिटल एसेट्स हैं उनमें एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज करने चाहिए, जिससे अब अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहा है तो उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इकोनॉमी में पैसा भी आएगा। तो इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कह दिया कि आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, ठीक है, खर्चा करो, एसेट क्रिएशन करो। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि आप लिबरल डिविडेंड्स दो। ठीक है, जैसे सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, इन्होंने कहा आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, अगर आपके पास सरप्लस पैसा आता है तो आप उसमें से लिबरल डिविडेंड्स दो सरकार को, और वो लिबरल डिविडेंड्स में से जो मनी आएगी उसको सरकार यूज़ करेगी फर्दर टू क्रिएट फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देख रहे हो, आप ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि जो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ये जितना भी इनके पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है, किसी को इन्होंने पेमेंट करना है, जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है उनको भी ये दें, जितना है क्लियर करें, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है मार्केट में इंप्रूव होगी। अब किसी CPSE ने किसी का 100 करोड़ रुपया देना है तो दो भैया, क्लियर करो, 100 करोड़ रुपया जिसके पास जाएगा वो उस 100 करोड़ रुपये को फर्दर इन्वेस्ट करेगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला कि आप रिसोर्सेज को रेज करो। ठीक है, फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं, इनविट्स या मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स कर दो, जो आपके डिफंक्ट एसेट्स हैं उनको मोनेटाइजेशन कर दो, बेच दो उनको, उनमें से जो पैसा आएगा फिर उसको फर्दर यूज़ करो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सब मेजर्स लेने को बोला है। तो इसका, इस सब का रीज़न क्या है कि ये सब क्यों CPSEs पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है? इनका ये कहना है कि सिंस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ लो, पब्लिक स्पेंडिंग अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम CPSE इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड हेल्प पर कप ग्रोथ। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो है तो पब्लिक स्पेंडिंग तो बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाएगी। तो इतना ही था आज अपने लिए इंपॉर्टेंट इसमें। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए। कल की वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।